बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी श्रहली सदरी वयस्सिरली अम्री वहलुल्उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एंड हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महमूदुल हसन। आज के लेक्चर में हम कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स को डिस्कस करेंगे और कॉन्स्ट कीवर्ड और डिफाइन कीवर्ड में डिफरेंस देखें। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना लगे तो कॉमेंट सेक्शन में क्यूरी करें तो जल्द रिस्पॉन्स दिया जाए। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। C++ लिटरल्स। लिटरल्स आर फिक्स वैल्यूज दैट कैन बी यूज डायरेक्टली इन कोड, लाइक 5, 3.9, एस करेक्टर। जो करेक्टर लिटरल्स हैं वो हमारे पास इनक्लोज्ड होंगे सिंगल कोट्स के। इंटीजर लिटरल्स, न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। We have three kind of integer literal, decimal, octal, hexadecimal. Decimal, for example, 8 है, minus 13 है, 22, etc. Octal में हमारा जो number है वो 0 से start होगा, like 021, 077, 033. Hexadecimal में 0x से start होगा number. इसी तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, वो न्यूमेरिक वैल्यू जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा, लाइक -2.0, 0.000234, 0.2 एक्सपोनेंट के पावर -5 एंड 77.987765 एटसेट्रा। करेक्टर लिटरल्स, सिंगल करेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, फॉर एग्जाम्पल AMF2 करली ब्रेस। जो करेक्टर लिटरल्स हैं वो इनक्लोज होंगे सिंगल कोट्स के अंदर। स्ट्रिंग लिटरल्स, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर इनक्लोज इन डबल कोट्स, वुड, अर्थ इन राउंड। ये हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। व्हाट इज कॉन्स्टेंट? Constant is a quantity that cannot change its value during execution. It can be stored at location in the memory of computer. Constant जो है हमारे पास mainly दो categories के होंगे, numeric constant और character constant. Numeric constant में integer constant और फिर real constant, integer constant, numeric value without fraction, real constant में numeric value with fraction. इस तरह करेक्टर कांस्टेंट में हमारे पास सिंगल करेक्टर कांस्टेंट होगा और स्ट्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट्स आर सेड टू बी आर वैल्यू। कांस्टेंट को हम आर वैल्यूज भी कहेंगे फॉर राइट वैल्यूज, बिकॉज दे कैन बी यूज्ड ऑन ओनली द राइट साइड ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर। करेक्टर कांस्टेंट ऑलवेज इनक्लोज विद सिंगल कोट्स। एक करेक्टर होगा और वो सिंगल कोट के साथ इनक्लोज्ड होगा, लाइक दिस A9@। स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑलवेज इनक्लोज्ड विद डबल कोट, पाकिस्तान, एम्प्टी स्ट्रिंग है आईटी नॉलेज सीकर। द करेक्टर कांस्टेंट, ये स्पेशल हमारे पास करेक्टर कांस्टेंट है, \0, इसे नल करेक्टर भी कहते हैं। The memory will be allocated to constant while literal are values that store in the allocated memory. जो constant है हमारा उसको भी memory allocate होती है, उसको हम change नहीं कर सकते, उसकी value को change नहीं किया जा सकता during execution, लेकिन literal वो values हैं जो उस memory location पे store हो रहे हैं। अब how to create constant in C++? C++ में हम कांस्टेंट कैसे क्रिएट करते हैं? देयर आर टू मेथड्स टू डिफाइन कांस्टेंट इन C++। एक हम
बाय यूजिंग डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और दूसरा बाय यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का सिंटैक्स ये है, हैश डिफाइन स्पेस आइडेंटिफायर स्पेस वैल्यू, लाइक ये हमने कॉन्स्टेंट डिफाइन किया है पाई, ठीक है। इसी तरह कॉन्स्ट कीवर्ड जब हमने यूज करना है तो उसका सिंटैक्स क्या है, कॉन्स्ट कीवर्ड आ जाएगा, फिर आगे कोई डेटा टाइप होगी, आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल फंक्शन एटसेट्रा, असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू स्टेटमेंट टर्मिनेटर। कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ जब हम कॉन्स्टेंट डिफाइन करेंगे तो वो C++ की स्टेटमेंट है, उसके एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा। हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जब हम यूज करेंगे तो प्री प्रोसेसर के एंड पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या कंपाइलर डायरेक्टिव के एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हैश डिफाइन इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ऊपर हमने ऑलरेडी एक पूरा लेक्चर किया है, उसमें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप सुन सकते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और कंपाइलर डायरेक्टिव बेसिकली कमांड्स हैं फॉर प्री प्रोसेसर जो एग्जीक्यूट होती हैं बिफोर द कंपाइलेशन। और हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम कॉन्स्टेंट डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। कॉन्स्ट जो है इज अ C++ स्टेटमेंट, जब हम कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ कॉन्स्टेंट क्रिएट करते हैं तो वो एक C++ की स्टेटमेंट होती है। स्कोप ऑफ द सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट, हैश डिफाइन से जो हम कॉन्स्टेंट डिफाइन करते हैं उन्हें हम सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। स्कोप ऑफ द सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट इज ग्लोबल, स्कोप ऑफ द कॉन्स्टेंट मे लोकल आर ग्लोबल। जो कॉन्स्ट कीवर्ड से हम कॉन्स्टेंट क्रिएट करते हैं उसका स्कोप लोकल भी हो सकता है और ग्लोबल भी हो सकता है। तो कांट हैव डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली कंपाइलर जज इट फ्रॉम लिटरल्स। जब हम हैश डिफाइन के थ्रू कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रहे होते हैं तो जो वैल्यू है उसके साथ हम डेटा टाइप नहीं स्पेसिफाई करते, कंपाइलर जो है वो वैल्यू से जज करता है कि इसकी टाइप क्या होगी। वाइल कॉन्स्ट कीवर्ड से जब हम कॉन्स्टेंट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्टेंट हैव डेटा टाइप एज पार्ट ऑफ इट्स सिंटैक्स, नॉट रिजर्व्ड अ सेपरेट मेमोरी, क्योंकि हैश डिफाइन से जब हम कॉन्स्टेंट डिफाइन करते हैं तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंपाइल हम करने जाएंगे, कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनको प्री प्रोसेसर जो है एक्टिवेट कर देता है, उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं, और जो हमारा कॉन्स्टेंट हमने हैश डिफाइन के थ्रू कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए होंगे वो जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम में यूज हुए उनकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। यानी जहां जहां पे भी हमने उस कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर को यूज किया है प्रोग्राम के अंदर, वहां वहां वो वैल्यू जो उसकी कॉन्स्टेंट की है वो रिप्लेस हो जाएगी आइडेंटिफायर से। तो रिजर्वड अ मेमोरी, कॉन्स्ट कीवर्ड से जब हम कॉन्स्टेंट क्रिएट करते हैं तो रिजर्वड अ मेमोरी टू होल्ड लिटरल्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों में से। अगर हम कहें कि कौन सी बेहतर अप्रोच है तो उसमें इट्स डिपेंड कि अगर तो स्पीड के वाले से या देखा जाए तो उसमें हैश डिफाइन बेहतर है, और लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें जाए तो बेहतर अप्रोच कॉन्स्टेंट डिफाइन करने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू हमें कॉन्स्टेंट डिफाइन करना चाहिए। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इनको सामने रखते हुए तो कॉन्स्ट जो है कीवर्ड के थ्रू कॉन्स्टेंट को डिफाइन करना ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये दोनों मेथड ही यूज़ कर सकते हैं, तो हम इनको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दोनों के ज़रिए कॉन्स्टेंट डिफाइन करते हैं और उनको यूज़ करके देखते हैं प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, ये हैश डिफाइन के ये मैंने एक प्रोग्राम ओपन किया और ये ऑलरेडी हमने प्रोग्राम किया है, तो उसमें देखिए ये हमने एक कॉन्स्टेंट डिफाइन किया है, हैश डिफाइन पाई 3.1416। इसको हम ये प्रोग्राम के अंदर दो जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ तो ये देखें कि मैं इसको रन करता हूँ, ये रेडियस ले रहा है और उसका एरिया और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो कैलकुलेट कर रहा है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, F11 प्रेस किया मैंने। अब हमने रेडियस देना है, लाइक मैंने 5 दे दिया, एंटर किया, एरिया भी कैलकुलेट हो गया और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कैलकुलेट हो गया।
मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है उसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे पाई को मैं कोई और वैल्यू साइन करता हूँ, मैं यहाँ पे 5.39 इसको साइन कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं F11 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे वो एरर दे रहा है, वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। तो यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट को हमें जो है वो चेंज नहीं करने दे रहा है, ठीक है, तो ये एरर है। अच्छा, दूसरे तरीके से भी हम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ये जो कांस्टेंट है इसको अगर हम ऐसे नहीं डिफाइन करना चाहते, कांस्टेंट हम एक और तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस, के कॉन्स्ट कीवर्ड है और आगे डेटा टाइप फ्लोट आइडेंटिफायर पाई, इसको वैल्यू हमने साइन कर दी 3.1416 स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अच्छा, अब इस वैल्यू को मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ तो इसको चेक कर लेते हैं कि क्या वो हमें वैल्यू चेंज करने अलाउ करते हैं। पाई 4.5 स्टेटमेंट टर्मिनेटर F11। देखिए जी, जैसे ही मैंने F11 किया कंपाइल एंड रन करने के लिए प्रोग्राम को, तो इस लाइन पे एरर आया, ठीक है। बाकी इस लाइन पे क्या एरर दे रहा है कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पाई, यानी कि इसको हम जो है ना इसमें राइट नहीं कर सकते, इसको हम रीड कर सकते हैं, यानी इसमें जो पहले से पड़ी वैल्यू है उसको हम यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन में, उसको प्रिंटिंग में, आउटपुट में यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो दोनों तरीकों से हमने देख लिया कि कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट C++ में कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, आप हैश डिफाइन के थ्रू भी कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं और कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करते हुए भी कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।